गाइज, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम अपनी 5-6 टेक्नोलॉजीज यूपीएससी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। पहला, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, कि क्या बिना वायर के भी हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इस ये टेक्नोलॉजी अगर एग्जिस्ट करती है तो डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, जिसपे यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पीवाईक्यू में हम इसको कंसिडर करेंगे। और इंडक्टिव कपलिंग टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है इंडक्टिव कपलिंग, ये स्टेटिक का थोड़ा सा हम इसमें अपना पार्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो 3-4 साल से न्यूज़ में है और हर जगह बहुत ही ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हो रही है, आपका फास्ट टैग में इसकी एप्लीकेशन है, कैसे ये काम करती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रही है। देखो, सबसे पहले यूपीएससी का ये 2020 का ये प्री का क्वेश्चन पेपर है, और प्री में यूपीएससी ने ये पूछ लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इनमें से किन किन चीजों में हो सकता है। यहाँ फिफ्थ ऑप्शन आप अगर देखोगे तो फिफ्थ ऑप्शन में वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। और यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है तो आप एक बात देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो सक्सेशन में चलते हैं। इस साल जो चीज पूछी गई है वो 1-2 साल बाद आपको, राइट, इस साल जो ऑप्शन में है चीज वो 1-2 साल बाद आपको मेन क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो नो डाउट वायरलेस ट्रांसमिशन पे यूपीएससी ने पिछले 10-12 साल में पहली बार ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन कहीं पे डाला हुआ था, तो अगले 1-2 साल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था यूपीएससी का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इनमें से किन किन चीजों में कर सकते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब आपकी जो स्मार्ट वॉचेज होती है, राइट, आपके जो वियरेबल्स होते हैं उसमें भी आप वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, वो एप्लीकेशन है, राइट। आपके जो बॉडी वियरेबल्स होते हैं उसमें भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफर हो रही है, और उसमें एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी हो रहा है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन यूपीएससी ने पता नहीं क्यों ये 5 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और ऑफिशियल आंसर की में इसका बी आंसर है। लेकिन फिर भी चलो, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। लेकिन हमें जानना है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, और आज के दौर में कहाँ कहाँ आपको ये टेक्नोलॉजी, हर जगह कहाँ कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले वायरलेस पावर ट्रांसफर मतलब बिना वायर के आप कहीं पे पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, और अभी भले ही आपने नोटिस ना किया हो इन चीजों को, आज के दौर में ये टेक्नोलॉजी हर जगह यूज हो रही है, हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फास्ट टैग है जिसमें आप RFID टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये क्या होती है हम अभी डिस्कस करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फास्ट टैग में यूज होती है। ये फास्ट टैग काम कैसे करते हैं भाई, ये तो आपने सिर्फ सामने ग्लास पे चिपका रखे होते हैं, राइट, इनको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी तो चाहिए होती होगी, तो ये वायरलेस ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर के थ्रू काम करते हैं आपके फास्ट टैग्स, राइट। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, आपको वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन देगा कि वायरलेस पावर ट्रांसफर कैन बी यूज टू ट्रांसफर द पावर इन हाई क्वांटिटीज लाइक इन मेगावाट्स। अगर ऐसी वो ऑप्शन दे दे तो गलत है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी की, अभी के दौर में जो एज ऑफ नाउ जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी की पावर आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे माइक्रोवाट्स में, मिलीवाट्स में, तो बहुत कम लेवल की इसमें पावर ट्रांसफर होती है, लेकिन की जरूर जा सकती है। और डाटा ट्रांसफर के लिए भी बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है इंडक्टिव कपलिंग के बारे में। अब देखो, ये पावर ट्रांसफर का काम शुरू कैसे होता है, इंडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो इंडक्टिव कपलिंग है इसको समझो। ये जो टेक्नोलॉजी है ये निकोला टेस्ला ने लगभग 100-150 साल पहले उसने ये डिस्कवर कर रखी थी, राइट, और साइंस में हम ये पढ़ते हुए हैं। इंडक्टिव कपलिंग इसका मतलब होता है कि मान लो दो ग्रिड्स हैं, राइट, दो सर्किट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, राइट, ये अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से दूसरा जो आपका सर्किट है उसमें भी करंट इंड्यूस होगा। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव कपलिंग। मतलब पावर आपने एक सर्किट में भेजी, दूसरा सर्किट उससे बिल्कुल जुड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएशन हुआ, सिर्फ इसलिए उस दूसरे पावर ग्रिड में, दूसरे
सर्किट में भी आपको करंट इंड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। ये हुआ आपका इंडक्टिव कपलिंग। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम करती है, वो कैसे अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी एप्लीकेशन देख लो कि आपको कहाँ कहाँ ये होता हुआ मिलेगा। देखो मैंने बोला RFID में, बिल्कुल नियर फील्ड कम्युनिकेशन में इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होती है अभी हम देखेंगे। और वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब आप जो अपनी बॉडी में वियर करते हो, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, राइट, बॉडी वियरेबल्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, इन सारी चीजों में, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, राइट, आपके जो रोबोटिक्स होते हैं उसमें भी आपको ये वायरलेस पावर ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलेगी। तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है, आज के दौर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, यहाँ कैसे ये यूज होती है। ऑलरेडी UPSC ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। इसमें ऑप्शन 2 इन्होंने देके रखा हुआ था कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट डिस्टेंस ऑफ इवन मीटर फ्रॉम ईच अदर्स। तो इसी में हिंट था भाई, 2 को एलिमिनेट कर देते तो आप आंसर के बहुत करीब आ जाते, 1 and 3 इसका आंसर है। बिल्कुल सर, नियर फील्ड कम्युनिकेशन नाम से ही लगता है कि बहुत नजदीक आपको डिवाइसेस को रखना पड़ेगा अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करवाना है, राइट। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूजुअली 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक ही ये कवर करते हैं। बहुत फास्ट इसका डाटा ट्रांसफर होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन का, दिस इज द टेक्नोलॉजी। यहाँ एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एक टैग होगा, राइट, ये एक डिवाइस होगी, इन दोनों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये बिल्कुल 2-3 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, मीटर्स की बात नहीं हो रही है। इसमें एक डिवाइस से पावर भेजी जाएगी, इस टैग में देखो बिल्कुल भी पावर नहीं है, इसके पास अपना पावर सोर्स है ही नहीं, लेकिन डिवाइस से आपने पावर भेजी रेडियो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में, राइट। और इस डिवाइस, इस टैग के अंदर एक माइक्रोचिप लगी हुई थी, इसने इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को पावर में कन्वर्ट कर दिया, और इस पावर का यूज करके अब ये कम्युनिकेट करने लगे। सो दिस इज योर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में आपको ये देखने को मिलेगा। RFID भी, राइट, RFID एक अलग से अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ इसी पे बेस्ड है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आपने याद रखना है कहाँ कहाँ यूज होती है, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में, और क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है इसलिए ये काफ़ी सिक्योर होती है, और ये फास्ट कम्युनिकेशन भी होती है, राइट। तो वायरलेस कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है वायरलेसली, और ये टैग इस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। सो दिस इज योर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम NFC फोरम डिवाइस टू NFC फोरम टैग। गॉट इट? सो NFC डिवाइस इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू NFC फोरम टैग बाय मॉड्यूलेटिंग द, मतलब इसमें सिंपली आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, बस इतना आपने याद रखना है। अलग 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 फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स आप भेज रहे हैं, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस टैग को कम्युनिकेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो इसके पास अपनी नहीं है, वो एनर्जी भी ये इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी से निकालेगा खुद कन्वर्ट करके। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका फास्ट टैग भी है। फास्ट टैग देखो काम कैसे करता है, सिंपली देखो यहाँ आपका जो आपका ग्लास है, गाड़ी का फ्रंट ग्लास, उसमें आपने ये फास्ट टैग लगा के रखा हुआ होता है। लेकिन भाई फास्ट टैग को अगर आपने कम्युनिकेट करवाना है तो इसे एनर्जी तो चाहिए, फास्ट टैग पे एक चिप लगी होती है। अब कम्युनिकेशन के लिए एनर्जी चाहिए, फास्ट टैग के पास कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं होती है, ये बस एक तरीके का एक चिप लगा के रखी होती है इन्होंने। तो ये अपनी एनर्जी कैसे लेता है, ये जो फास्ट टैग रीडर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमेशा रेडियो वेव्स एमिट करता रहता है, रेडियो वेव्स एमिट करता रहेगा अपने चारों ओर। तो जहां जहां इसकी रेंज में ये फास्ट टैग की चिप्स आती रहेगी, ये चिप्स उस रेडियो सिग्नल को पहले एब्जॉर्ब करेगी, उसका कन्वर्जन करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी अपनी एनर्जी यूज के लिए, और फिर अपना सिग्नल भेजेगी कि मेरा ये कोड है, राइट, इस कोड से आप पैसे डिडक्ट कर सकते हैं। और फास्ट टैग का यूज आप कहाँ कर रहे हैं, टोल कलेक्शन में बेसिकली, और इसी को हम कहते हैं RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब रेडियो सिग्नल जाए, इसने रेडियो सिग्नल्स को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट किया, एट द सेम टाइम इसने उसी एनर्जी का यूज किया इसे रेडियो सिग्नल्स वापस भेजने में। उसी रेडियो सिग्नल को रीडर ने रीड किया और वहां से आपके मनी डिडक्शन हो गया, आपका टोल कट गया। दिस इज योर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ क्या फास्टैग में आज के दौर में यूज हो रही है, नहीं सर, मॉल्स में आप जाओगे तो इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। वहां जितने भी आपको
ये जो भी आप सामान खरीदेंगे उसमें टैग लगे होते हैं वो इसी RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उन्हीं टैग्स के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल वहां पे जनरेट किया जाता है। जो ऑटोमेटिक बिल्स भी जनरेट होते हैं वो इसी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट। तो चिप में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। आई होप ये सारी जो भी कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। ये दो हमने इसमें क्वेश्चन देखे कि यूपीएससी कैसे आपको फंसा सकता है। ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, आज भी अगर आप बैठोगे इसको पकड़ के तो काफी डिबेटेबल आपको लगेगा, लेकिन फिर भी यूपीएससी तो यूपीएससी है, उसने जो करना है वो करना है। लेकिन आपने ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट और नियर फील्ड कम्युनिकेशन का का कॉन्सेप्ट और RFID टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ये सारे आई होप आपके कवर हो गए होंगे। सब्सक्राइब कीजिए अगर ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।